माँ, माँ मैंने शादी कर लिया है। क्या तुम बिना बताए शादी कर लिया? ओह माय गॉड, किससे किया? कौन है वो लड़की? अमीरी गरीबी देखकर किया है ना? हमारे मॉडर्न सोसाइटी में उठने बैठने के लायक तो है ना? कोई छोटी जात वाली तो नहीं है ना? ये सब क्या बोल रही हो माँ, बिंदु बहुत अच्छी लड़की है। मैं ये सब जानना नहीं चाहती। तू ये बता, लड़की कहाँ की है? वह भोपाल के एक गांव से है। क्या आखिर में तू एक गांव की गवार से शादी किया है? शहर में और कोई लड़की नहीं मिली तुझे? मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तू इस घर में उस गवार को नहीं लाएगा, बस। इस सोसाइटी में मेरी एक स्टेटस है, मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी है। मोहित अपनी माँ को कुछ और कहने जा रहा था, लेकिन बिंदु उसे रोक लेती है। उस तरफ से मोहित के माँ भी फोन रख देती है। मोहित अपने माता पिता का इकलौता लड़का है। उसकी माँ हमेशा से ही बहुत मॉडर्न और स्टाइलिश औरत थी, लेकिन मोहित अपने पिता की तरह ही सादा सीधा स्वभाव का था। पढ़ाई खत्म करके मोहित दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए आया था। यहाँ उसे बिंदु पसंद आ गई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। मोहित जब अपनी माँ से बात कर रहा था, तब बिंदु भी पास बैठकर सब सुन रही थी। अब क्या होगा बिंदु, माँ तो बहुत गुस्से में है। उन्होंने तो तुम्हें वहाँ ले जाने से भी मना कर दिया। अरे कोई नहीं मोहित, तुम घबराओ मत। गुस्से में सास लोग बहुत कुछ बोलते हैं। तुम बस जाने की तैयारियां करो। हम तो अपने सासू माँ से मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। उसके बाद बिंदु और मोहित अपना एयर टिकट बुक कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में अपने शहर लौट आते हैं। मोहित डरते हुए बिंदु को लेकर अपने घर का डोरबेल बजाता है। कौन है? जस्ट अ मिनट। मोहित, तू और साथ में ये लड़की भी? प्रणाम माँ जी। व्हाट अ रबिश, दूर हटो। मोहित, तुझे कितनी बार मना किया है कि इस गवार को अपने साथ लेकर मत आना, फिर भी तू इसको साथ लेकर आया है? तुम यह क्या बोल रही हो माँ, उसे मैं कहाँ रख कर आता? अरे माँ जी, आप इतना गुस्सा काहे हो रहे हैं? गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बाबूजी कहाँ है? बाबूजी, ओ बाबूजी। प्रणाम बाबूजी, मैं बिंदु हूँ, आपकी बहू। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हें अपनी सास से बचने की हिम्मत दे। अरे बाबूजी, कोनो फिकर करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना हाथ मेरे सर पर हमेशा रखिएगा। इतने में मोहित की माँ अंदर आ जाती है। ऐ लड़की, तुम मेरे बेडरूम में आने की हिम्मत कैसे किया? अनपर गवार कही की। अरे अनपर गवार हूँ तो क्या हुआ माँ जी, हमारा दिल बहुत बड़ा है। माना कि हम बचपन से स्कूल ना ही गए, लेकिन आ आ क ख अ बी सी डी सब जानते हैं। और अपना ससुराल संभालना हमको बहुत अच्छी तरह से आती है। हम आप दोनों का ऐसन सेवा करेंगे कि आप लोग खुश हो जाओगे। डिस्गस्टिंग। इतने में मोहित आकर बिंदु की हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर जाती है। ये सब क्या कर रही हो तुम? अभी कुछ मत बोलो, देखते जाओ। पर तुम करना क्या चाहती हो? माँ जी के दिमाग से कुछ गलत फहमियाँ दूर करना चाहती हूँ। जो तुम सही समझो करो। मोहित की माँ बिंदु को किसी भी कमरे में जाने से मना कर दी थी, यहाँ तक कि किसी भी चीज को हाथ लगाना भी उसको मना था। लेकिन बिंदु कहाँ मानने वाली थी। कुछ दिन बाद एक दिन शाम को जब मोहित के माता पिता बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी बिंदु चाय लेकर वहाँ आती है। हेलो माँ जी, गर्मा गर्म भोपाली स्पेशल चाय। मैंने तुम्हें किसी भी चीज को छूने से मना किया था ना? अरे माँ जी, मैं भी तो कितनी बार बोल रही हूँ कि इतना गुस्सा मत कीजिए, सेहत खराब हो जाएगी। आप भी कहाँ सुन रही है, मेरे हाथ का बना चाय पीजिए, तबीयत खुश हो जाएगा। और ऐ लीजिए साथ में गर्मा गर्म गोभी के पकोड़े। गोभी के? व्हाट, मुझे नहीं खाना ये सब गवार वाले आइटम। एक बार तनिक चक्कर तो देखिए माँ जी,
लीजिए बाबूजी, आप भी लीजिए। हाँ हाँ बहू, लाओ लाओ, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। उस घर में ये सब रोज का मामला बन गया। सास मानने वाली नहीं थी और बहू छोड़ने वाली नहीं थी। इतने में एक दिन सुबह जब बिंदु घर की साफ सफाई कर रही थी, क्यों ना मैं माजी के कमरे की सफाई कर दूं? माजी भी खुश हो जाएगी। ये सोचकर बिंदु शिवानी के कमरे में गई सफाई करने, पर वहां जाकर देखी कि शिवानी अभी तक लेटी हुई है। नजदीक जाकर देखी तो देखा शिवानी को बहुत तेज बुखार है। अरे माजी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। उसके बाद बिंदु भाग कर जाती है और साथ में थर्मोमीटर, दवाई, ठंडा पानी और पट्टी लेकर आती है। ये सब देखकर उसकी सास बोलती है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ मत बोलिए माजी, आपकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे अपना काम करने दीजिए। तुम तो पल नहीं सकती हो, क्या दवाई खिला रही हो मुझे? बिंदु इसका कोई जवाब नहीं देती, थर्मोमीटर से बुखार देखती है और जबरदस्ती दवाई खिला देती है। दवाई खाने के कुछ समय बाद शिवानी बहुत स्वस्थ महसूस करने लगी थी। उसके बाद भी बिंदु पूरा पूरा दिन अपनी सास की सेवा करती रही। कुछ दिनों में ही बिंदु की सेवा से शिवानी एकदम ठीक हो जाती है। वो भी अब बिंदु को पसंद करने लगी थी। इसके कुछ दिन बाद एक दिन बिंदु घर से बाहर निकलकर देखती है कि एक बूढ़ी औरत घर के सामने खड़ी है। कौन है आप बूढ़ी अम्मा? मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया बेटी, कुछ खाने को दे दो ना। आप यही रुकिए माई जी, मैं अभी आती हूँ। बिंदु थाली में रोटी सब्जी लेकर आती है। ए लो बूढ़ी अम्मा, खाना खाओ। तेरी भला हो बेटी। बूढ़ी भिखारी जब बाहर बैठकर खा रही थी, तभी बिंदु की सास बाहर निकलती है। कौन आई है बिंदु? एक भिखारी को घर के बाहर बैठकर ऐसे खाते हुए देख शिवानी चीख उठती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? अरे माँ जी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? ये माई जी दो दिन से कुछ नहीं खाए तो इसे थोड़ा खाना खिला रहे हैं। पर ये तो एक भिखारी है। तो क्या हुआ माँ जी, भिखारी का इंसान नहीं होते है? अमीर गरीब तो इंसान नसीब से बनते है तो सब इंसान ही ना। मॉडर्न सिर्फ कपड़ों में और बोलचाल में नहीं माँ जी, मॉडर्न सोच में भी बनिए। बिंदु की बातें सुनकर शिवानी थोड़ी चुप हो जाती है और फिर कहती है, सच में बहू, अनपढ़ तू नहीं, अशिक्षित तो मैं हूँ, तू मॉडर्न नहीं पर तेरा दिल सच्चा है। अब बिंदु और उसकी सास का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। ये देख मोहित और उसके पिता बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद एक पड़ोसी के बेटे की शादी में सब जाते हैं। वहाँ शिवानी के कुछ दोस्त भी थे। वो लोग शिवानी के साथ बिंदु को देखकर शिवानी से पूछती है, अरे शिवानी, ये अपने साथ किसको लाई है? नौकरानी को भी साथ लेकर आए हो तुम? ये कैसी बात कर रही हो तुम? ये मेरी बहू है। मतलब तेरा ओनली सन्स वाइफ? क्या बोल रही हो? कहाँ तुम और कहाँ तुम्हारी बहू? मजाक मत करो। अरे जब हमारी सासू माँ बोली रहे हैं कि हम उसकी बहू है तो आप लोगन काहे नहीं मानते हो? ऐ लड़की, तू चुप रह। हम मालकिन जब बात कर रहे हैं तब तू नौकरानी होकर बीच में क्यों बोल रही है? शट अप, तुम लोगों को मैंने अपनी बहू की इंसल्ट करने की राइट नहीं दिया है। तुम इस गवार बहू के लिए अपने दोस्तों के साथ ऐसे बात कर रहे हो? क्यों नहीं करेगी, आप लोग तो इंसान को इंसान तक नहीं समझते हैं। और क्या देखकर आप लोग मुझे जज कर रहे हैं? मेरे कपड़े, मेरे बोलने का तरीका? पर ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों से कहीं ज्यादा एडुकेटेड मैं हूँ। मैं भोपाल की पलीबेरी जरूर हूँ, पर शहर का एक बड़ा सर्जन हूँ मैं। शादी के बाद 1 महीने का छुट्टी लेकर ससुराल आई हूँ। और हाँ, हर लोगों का अपना कल्चर, अपनी भाषा, अपना रहन सहन होते हैं। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को नीचा दिखाने का हक मिल गया है आप लोगों को। सो ट्राई टू बी ए बेटर पर्सन। ये सब सुनकर शिवानी की सहेलियाँ बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और शिवानी और बिंदु से माफी मांगते हैं।
इस घटना से शिवानी एकदम चौंक जाती है। खैर आकर शिवानी बिंदु से कहा, बहू ये सब क्या है, तू तो बोली थी कि तू स्कूल तक नहीं गई। वो सब तो आपको थोड़ा मॉडर्न बनाने के लिए था मम्मी, अब आप भी बन गई है ना मॉडर्न बहू की मॉडर्न सास। दूर एक गांव में मधु नाम की एक लड़की रहती थी। वो दिखने में काफी सुंदर थी। वो दूसरों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। एक दिन उस गांव में राजेश नाम का एक लड़का अपने एक दोस्त आदि के पास घूमने आता है। जब वो दोनों खेत में घूम रहे थे तभी राजेश की नजर मधु पर गई, जो एक बच्ची के साथ खेल रही थी। उसकी वो हंसने की अदा देखकर ही राजेश एकदम से खो गया और अपने दोस्त से कहा, आदि ये लड़की कौन है, कितनी प्यारी है। ये लड़की मेरे पड़ोस में रहती है, इसका नाम मधु है। हाँ ये बहुत प्यारी है, हमारे गांव में ये लड़की सबसे सुंदर है और ये गांव में सबका ख्याल रखा करती है और बहुत ही हंसमुख है। हाँ देखने से ही लगती है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस वक्त से राजेश बस मधु के बारे में ही सोचने लगा और अगले दिन राजेश अपने दोस्त से कहता है, आदि एक बात बोलूं, तुम्हारे पड़ोस में वो जो लड़की है ना मधु, वो मुझे पसंद आ गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चल आज शाम को ही उसके परिवार वालों से बात करने चलते हैं। शाम के वक्त आदि और राजेश मधु के घर जाकर उसके पिता से बात करते हैं। राजेश शहर में अच्छा बिजनेस करता है। मधु के पिता विकास को भी राजेश पसंद आ गया था, इसलिए कुछ दिन में मधु और राजेश की शादी हो जाती है। राजेश मधु से शादी करके उसे शहर ले जाता है। राजेश के घर में उसकी माँ सीमा रहती थी, जो कि बिल्कुल शहरी और मॉडर्न ख्यालातों की थी। उसे गांव की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए पहले तो सीमा मधु को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं थी। इस कारण वो अपने बेटे से अकेले में कहती है, ये क्या राजेश, तूने एक गांव की गवार लड़की से शादी कर ली। मैंने तेरे लिए कितने अरमान सजाए थे, मॉडर्न घर से स्टाइलिस्ट बहू लाने वाली थी मैं तेरे लिए, तूने सब में पानी फेर दिया। माँ मधु बहुत अच्छी लड़की है, देखना कुछ दिन में वो आपका दिल भी जीत लेगी। गांव के लोग पसंद ना होने के कारण मधु से बात करने का मन तो सीमा की बिल्कुल भी नहीं होती थी, लेकिन घर की बहू होने के कारण मधु से सीमा को बात करना ही पड़ता था। राजेश रोजाना अपने काम पर चला जाता था और मधु घर का काम किया करती थी। ऐसे दिन बीतता गया। एक दिन सुबह सीमा मधु को आवाज लगाती है, बहू ओ बहू कहाँ हो, इधर आना जरा। जी माँ जी कहिए। बहू आज मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है तो मुझे घी के पराठे खाने का मन है, इसलिए तू मेरे लिए घी के पराठे बना कर ला। तुझे घी के पराठे बनाना आता तो है ना? जी माँ जी आता है, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पराठा बना कर लाती हूँ। मधु फौरन किचन में जाकर गर्मा गर्म पराठे बना कर लाती है। सीमा पराठा मुंह में लेते ही उसे थूक देती है और गुस्से से कहती है, ये क्या पराठा बनाई है तुमने, घी में नहाई हुई पराठा, इतना घी, घर का सारा घी कढ़ाई में डालकर पराठा बनाती है क्या? माँ जी आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही बनाया है, हमारे गांव में भी सब ऐसे ही घी के पराठे खाते हैं। तेरे गांव के लोग गवार है इसलिए उन लोगों को शहर के तौर तरीके पता नहीं है, अब खरी क्या है, जा यहाँ से, गवार कहीं की। सीमा की ये वर्ताव देखकर मधु बहुत घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही सीमा उसे हमेशा ही गांव से होने का ताना देने लगी
और बात बात पर सीमा मधु पर चिल्लाती और गुस्सा करती थी। एक दिन सीमा के घर में कुछ पड़ोसी आते हैं। देख मधु, मेरी कुछ सहेलियां आई है, उन लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बना कर ला, देखना मेरी नाक मत कटवा देना। मधु सबके लिए नाश्ता बनाकर टेबल में परोस देती है। तब सीमा की एक पड़ोसी मधु से कहती है, अरे मधु बेटा, तू भी हमारे साथ बैठकर खाना खा ले। तब मधु अपना खाना टेबल से उतारकर जमीन में रख देती है और खुद भी जमीन में बैठकर खाना खाने लगती है। ये देख सब औरतें उसका बहुत मजाक बनाती है। अरे वाह सीमा, तूने तो लाखों में एक बहू लाई है। हाँ, और हमें फ्री में एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। सीमा, तुझे अपने इकलौते बेटे के लिए ये गवार बहू ही मिली थी क्या? सब उसका इतना मजाक बना रहे हैं देखकर भी मधु कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। सीमा तो गुस्से में एकदम लाल पीला हो जाती है। सारे मेहमान चले जाने के बाद सीमा मधु को बहुत खड़ी खोटी सुनाती है। इस घटना के कुछ दिन बाद सीमा मधु को फिर से बुलाती है। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी, आई। कहिए माँ जी, क्या बात है? बहुत सारे कपड़े जमा हो गए हैं धुलने के लिए, जा जाकर इन सब कपड़े को धो डाल। हाँ माँ जी, मैं धो देती हूँ। पर थोड़ी देर के बाद बाथरूम से धूमधाम आवाज सुनकर सीमा चौंक गई और आकर वो देखती है कि मधु बाथरूम में कपड़ों को पटक पटक कर धो रही है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? कपड़े धो रही हूँ माँ जी। तो हाथ से क्यों धो रही हो? ऐसे तुझे कौन कपड़े धोने के लिए कहा है? घर में तो वॉशिंग मशीन है, उसके बावजूद भी तू जमीन में कपड़े धो रही है, मशीन में धोना चाहिए ना। माँ जी, मुझे ये सब मशीन चलाना नहीं आता है। तो मुझे बताना चाहिए था ना, इसीलिए अपने बेटे को कह रही थी कि शहर की लड़की से शादी कर, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी और गवार लड़की उठा कर ले आया। अब भुगतना तो मुझे ही पड़ता है ना। छोड़ो तुम, मैं ही इसे करती हूँ। फिर एक दिन सीमा के पड़ोस में रहने वाली सीमा की सहेली मंजू की बहू आरती उसके घर में आती है। सीमा आंटी, घर पर है क्या? हाँ बोलो ना आरती बेटी। सीमा आंटी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज शाम को आप सब हमारे घर जरूर आइएगा। और हाँ, मम्मी ने खास करके आपको अपने साथ आपकी बहू को भी लाने के लिए कहा है। हाँ हाँ, मंजू को कहना कि हम सब जरूर जाएंगे, इतनी खुशी की बात जो है। दावत देने के बाद सीमा की सहेली की बहू वहाँ से चली जाती है। मधु तब वहीं खड़े होकर अपनी सास को देख रही थी। मुझे क्या देख रही है? तू कहीं नहीं जाने वाली, तू वहाँ जाएगी तो मेरा अपमान हो जाएगा उस घर में, कुछ भी बहाना बना दूंगी तेरे ना जाने की। मंजू तो बहुत खुश नसीब वाली है, उसकी बहू आरती सब काम में फर्स्ट है, शहर की लड़की जो है तेरी तरह गवार नहीं। शाम को सीमा बंठन के पार्टी में चली जाती है। इसके कुछ दिन बाद एक दिन राजेश बहुत उदास होकर घर लौटता है। उसे ऐसे उदास देख सीमा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों है? माँ, क्या बताऊं, लगता है मेरा बिजनेस डूब जाएगा, बहुत दिनों से लॉस में जा रहा है, महाजन के पास भी बहुत उधार हो चुका है, बहुत परेशान हूँ, मुझे पता नहीं और मैं बिजनेस चला सकूंगा या नहीं। ऐसा क्यों कह रहा है, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन के बाद राजेश का बिजनेस सच में डूब जाता है। इसके कुछ दिन बाद एक दिन सुबह सीमा के घर की बेल बज उठा। दरवाजा खोलकर सीमा ने देखा कि सामने कर्जदार खड़े हैं। उनको देखकर सीमा घबरा जाती है। अरे आप यहाँ, मैं आपका पैसा कुछ दिनों में ही लौटा दूंगी, मेरे बेटे का बिजनेस में लॉस हो गया इसलिए दे नहीं पा रहे हैं, अब कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए ना। अरे बहन जी, मैं आपसे पैसे लेने नहीं आया हूँ, पैसा तो आपकी बहू ने अपने पिता के हाथ कुछ दिन पहले ही भिजवा दिया था। क्या सच में? हाँ, आप बहुत नसीब से ऐसी बहू पाई हैं। और हाँ, मैं जिसके लिए आया था, मेरी बेटी की शादी है, आप सब जरूर आना। ये बोलकर
वो कर्जदार वहाँ से चला गया। उनकी बात सुनकर सीमा के आंखों में आंसू आ जाता है। तब वो अपनी बहू के पास जाकर कहती है, बहू तूने ऐसा क्यों किया? मैंने तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तूने इतना बड़ा उपकार किया। अब ऐसे बात क्यों कर रही हूँ माँ जी? अब तो मेरी माँ की तरह है और ये तो मेरा घर है, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया है। माँ जी माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। फिर उसकी सास उसे दिल से स्वीकार कर लेती है और फिर सीमा और मधु दोनों सास बहू मिलकर अच्छे से रहने लगी। सीमा अपनी बहू को सारे शहरी तौर तरीके सिखा देती है। कुछ दिन के बाद राजेश का बिजनेस भी फिर से स्टार्ट हो जाता है और पहले से भी ज्यादा अच्छे से चलने लगता है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कहानी से क्या सीख मिला दोस्तों? कि कोई लड़की गांव की हो या शहर की, कभी उससे बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। और रिश्तेदार ही बुरे वक्त में काम आते हैं।